क्या आपने वैक्सीन लगवाई? अगर लगवाई तो क्या फोटो ली? अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्दी कीजिए। नमस्कार, मैं राहुल पंडित और आप देख रहे हैं सरस न्यूज़। अगर आपको कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाने या सेल्फी लेने का शौक़ है तो आपके लिए एक खबर बहुत ही अच्छी है और आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। कोरोना के केस बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं, ऐसे में वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार बहुत जोर शोर से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रही है। इस वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता चलाई है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आकर कोरोना का टीका लगवाएं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से फोटो विद वैक्सीनेशन क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है जिसमें वैक्सीन लगाते वक्त फ़ोटो खींचनी होगी। इसके लिए आपको अपनी फ़ोटो के साथ एक स्लोगन जो वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में बताए वो लिखकर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए लिंक पर भी भेजना होगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इस कॉन्टेस्ट में जीतने वालों को 5,000 रुपये इनाम के रूप में दे रही है। अब आपको बताते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में कौन कौन भाग ले सकता है और किस तरह। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए इस कॉन्टेस्ट में सबसे पहले जो व्यक्ति भाग ले सकते हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं या उनके परिवार में वैक्सीन लगवा चुके हों। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो भेजने के लिए एक टैगलाइन भी सोच कर रखनी होगी और जिसको mygovernment.in पर जाना होगा। फिर इस कॉन्टेस्ट में ऑप्शन में मांगी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह से भरना होगा और आपको अपनी एंट्री सरकार द्वारा दी गई वेबसाइट पर सबमिट करनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद सरकार की ओर से बेस्ट फोटो और टैगलाइन का चयन किया जाएगा। चयनकर्ताओं को कैसे मिलेगा इनाम, अब आप उसका भी तरीका जान लीजिए। अगर सरकार द्वारा आपकी एंट्री को सिलेक्ट किया जाता है तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि इस कॉन्टेस्ट में आप 31 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 बेस्ट एंट्रीज़ को हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। my.gov के आधिकारिक ट्वीट ने इसकी जानकारी दी है। तो आप भी इस फोटो फिट वैक्सीनेशन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और फ़ायदा उठाइए सरकार के द्वारा चलाई गई इस प्रतियोगिता का। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सरस न्यूज़ के साथ। मैं राहुल पंडित, धन्यवाद।